हेलो एवरीवन। अभी कल का व्लॉग नहीं आ पाया और कुछ हो रहा है, कुछ घर में थोड़ा सा काम धाम, उसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। फिर आज जो है मेरा कुछ एक ऐसा डे है जिसमें कि जिसका रिज़ल्ट कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो अब देखती हूँ मैं किस रिज़ल्ट के साथ घर आती हूँ। आज एक्चुअली मेरी कोर्ट की डेट है तो जाना है। अगर दूसरी पार्टी आती है तो एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, अगर नहीं आती है तो फिर ऐसे ही मैं चली आऊँगी खाली हाथ, कुछ भी नहीं। और स्ट्रगल तो बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो देखती हूँ कोर्ट में, तो ज़्यादा मैं नहीं ऊपर क्योंकि काफ़ी सिक्योरिटी होती है, तो नीचे जहाँ तक होगा मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे लगता है कोई इसीलिए नहीं जाना पसंद करता है क्योंकि हाँ थोड़ा सा तो ऑकवर्ड लगता है वहाँ जाने में, बट मैं जितना दिखा पाऊँगी मैं उतना दिखाऊँगी। तो मिलते हैं आपसे कोर्ट में। कि मैं कोर्ट आ गई थी और आज कुछ शायद वाल्मीकि जयंती थी तो इस वजह से कोर्ट नहीं, पता नहीं इस वजह से खाली था कि किस वजह से खाली था, बट खाली था हाँ। लेकिन जज बैठे हुए थे, काम हो रहा था, बट विपक्षी नहीं आया। तो विपक्षी नहीं आएगा तो केस कैसे आगे बढ़ेगा। माफ़ीनामा लगा दिया कि नहीं आ पाए तो माफ़ीनामा लगा दिया। तो अभी क्या है ना कि माफ़ीनामा आप कितनी बार लगा सकते हो, एक फिर रिजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद तो आपको आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जो आपको आदेश हुआ है वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। और किसी पराए को नहीं दे रहे हो, आप अपने बच्चे को दे रहे हो। तो खैर यहाँ से तो मैं निकल गई थी काफ़ी डिसअपॉइंट होके। और बाकी का घर आ गई हूँ मैं और लेट गई थी आते ही क्योंकि मूड ख़राब हो गया था और रिस्पांस नेगेटिव है, जो आए ही नहीं। जब आएंगे नहीं तो क्या ही होगा, पता नहीं। बस पता नहीं क्यों बहुत बिल्कुल झोल सा लग रहा है इस केस में अब। और जो मेरे लॉयर हैं वो सपोर्टिव ही नहीं है। जब मैं जाती हूँ उधर कोर्ट रूम में तो कोई होता ही नहीं है मेरे साथ में कुछ बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए। तो बहुत मतलब अब तो एकदम मैं इस चीज़ से हार रही हूँ। इस बार तो ये था कि बच्चों की फ़ीस तक ड्यू है, अभी तक मैंने नहीं डिपॉज़िट करी क्योंकि ये सोचा था कि चलो ठीक है फ़ाइन लगेगा, मतलब 10 के बाद फ़ाइन लगता है, तो सोचा था फ़ाइन लगेगा ठीक है थोड़ा देर से दे देंगे विद फाइन दे देंगे। लेकिन पर्सन आया ही नहीं। मैं केस डिस्कस नहीं करना चाह रही थी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे नहीं डिस्कस करना चाह रही थी, लेकिन अब इतना दिमाग ख़राब हो चुका है कि मतलब मैंने इतने घटिया आदमी से शादी करी है कि मैं पूरे लाइफ इस चीज़ को रियलाइज़ करती रहूँगी और खुद को कोसती रहूँगी हमेशा कि वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने इस इंसान से शादी करने के लिए हाँ की थी। मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ अपने आप से, मैं सबसे ज़्यादा खुद से ही नाराज़ हूँ कि मैंने अपने साथ इतना गलत किया क्यों। ऐसा इंसान मतलब उसके उसके घर में कोई भी औरत खुश नहीं है। मैं वहाँ से किस तरह से निकल आई, यहाँ पे उनके शिकंजे से निकल आई हूँ, लेकिन स्टिल मैं खुश नहीं हूँ। इतना गंदा वो होता है ना कि वाइब्स होती हैं इतनी गंदी और इतना आप किसी जैसे चक्रव्यूह में फंस जाते हो ना, वैसे ही फंसी हुई हूँ मैं बिल्कुल। एंड वो पर्सन सोचता है कि मैं उसके साथ जाके रहूँगी, तो मैं बिल्कुल नहीं रहूँगी, अब तो बिल्कुल नहीं रहूँगी। बाकी अभी मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, थोड़ा सा नॉर्मल करके फिर आपसे मिलती हूँ दोबारा। अभी मैं जो है शाम हो गई है और हार्ट बना के दिखाओ हार्ट। आई लव यू। अब ये मुझे दिल तोड़ के दिखा रहा था, मतलब पता नहीं किस बात पे नाराज़ हो गया था तो दिखा रहा था कि दिल टूट गया है, नहीं मिलाओ। और मौली जो है ये गेम खेल रही थी तो उसने मुझे दे दिया दोनों दालों को अलग करने का। ये मिलाया भी है इन्होंने ही और अब अलग कर रहे हैं, तो जब उससे नहीं हुआ तो उसने मुझे दे दिया, तो अब मैं बैठ के अलग कर रही हूँ चाय पीते पीते। और मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब था। कुछ तो ऐसी बातें हैं कि जो मैं बोल नहीं सकती हूँ, मतलब उन बातों को बोलना अभी ठीक नहीं है। आप लोग में से किसी के घर में अगर कोई लॉयर हो तो प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट करिएगा, तो मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। और चाहे आप इंस्टा पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, चाहे यूट्यूब पे ही कमेंट करिएगा, तो मैं रिप्लाई दूंगी। और
आज मतलब एक तो सुबह जिम भी नहीं गई, मैंने सोचा कि चलो जिम नहीं जाते हैं थक जाएंगे, फिर जल्दी जल्दी करना था, फिर जिम मुझे 6:30 जाना पड़ता 6:30 के लिए, फिर मेरी जो फ्रेंड है वो भी नहीं आ रही थी, मतलब वो कहती कि इतनी मॉर्निंग में नहीं आ पाएंगे, तो मैं भी नहीं गई इसी वजह से कि चलो मुझे अकेले करना पड़ेगा। अब कल जाएंगे तो थोड़ा शायद बेटर फील करें, अभी तो फील नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी फील नहीं कर रही हूँ, तो अभी कुछ थोड़ा बहुत ऐसे बाहर जा रही हूँ और मेरे ही फेस पर शेडो आ रहा है। और आज मैंने नाइटी पहन ली, देखिए आज बहुत गुस्सा आया, मेरा कुछ भी पहनने का मन नहीं किया तो मैंने नाइटी पहन ली। और क्या बोल, शेडो बोला है, शेडो आ रहा था मेरे फेस पे, अब नहीं आ रहा है, देखो मैं ऊपर कर रही, देखना ये देखो आ गया, हम लोगों के ऊपर शेडो आ गया फेस पे, अब देखो नहीं आ रहा है। अच्छा वो सुनो कोई अभी देख नहीं रहा है, अब वो वाला गाना गा दो बस, तू मेरी गाओ तू, अरे अच्छा मेरे साथ गा दो, तू मेरी थी, थी, मैं तेरा होने लगा। हम लोगों को डाउट है कि शायद ये अपने एनुअल फंक्शन में इसी पर ही डांस कर रहा है, क्योंकि ये यही सॉन्ग जो है बार बार गुनगुनाता रहता है, डेली डांस प्रैक्टिस हो रही है, तो देखते हैं इसका एनुअल नवंबर में या दिसंबर में होगा, अभी तो प्रैक्टिस चल रही है। बाय कर दो, विक्सी को लिखाओ राहत पाओ, भाग्य। बाद में रेडी होके हम लोग थोड़ा निकले थे काम से, फिर वहाँ से लौटते समय ये यहाँ से काजू कतली लेनी थी, और फिर मैंने भाई को बोला कि आए हो तो टिक्की खा लो, फिर तो तुमको जाना ही है, क्योंकि यहाँ की टिक्की उसको काफ़ी पसंद है, तो यहाँ पे टोकन वोकन लेके और स्वीट्स वगैरह लेके हम लोग खड़े थे, और ये जो भैया हैं वो टिक्की बना के दे रहे थे, अच्छी बनाते हैं, पनीर वगैरह डाल के, और मतलब थोड़ा सा डिफरेंट रहती है, नॉर्मल टिक्की से डिफरेंट रहती है, तो मैंने तो नहीं ली थी क्योंकि मेरा मन नहीं था, और फिर लौटते समय ये सैंडविच भी ले लिया हम लोगों ने, फिर घर आए तो खाने पे खाना और मूड की तो ऐसे वॉट लगी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना खा कर ही अपने आप को ठूस कर ही थोड़ा इस चीज़ को नॉर्मल किया जाए, दिल को हल्का किया जाए, तो ठूसने पे लग गई मैं, बाद में पिज़्ज़ा भी ऑर्डर हो गया, क्योंकि पिज़्ज़ा देखिए बच्चों को खाना था, हम लोग को उतना नहीं था, बच्चों को खाना था, इस वजह से आ गया था, पिज़्ज़ा भी खूब ठूसा, मतलब हम मैं नहीं चाहती अब दिन ऐसा कोई दिन आए जब मैं ऐसे ठूस के खाऊं, क्योंकि सारा वर्कआउट मतलब मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी यार, ये कोई नया पिज़्ज़ा आया था वॉलकैनो टाइप्स, तो ये वॉलकैनो बस्ट हो चुका है घर आते आते, टेस्ट बहुत ख़ास नहीं था उसका, मतलब मैं तो नहीं कहूँगी कि आप लेना कभी भी, बस जहाँ जहाँ पर वो चीज़ है वहीं पर अच्छा था। ये है पेपी पनीर, और पेपी पनीर में भी मैं देख रही थी रेड वाला जो चिली होता है कितना ज़्यादा डाला हुआ है यार, पूरा उसी से ही उसको सजा के रखा है, तो ये मैं ट्राई करने जा रही हूँ, ये जो आगे का पार्ट था बस ये ही अच्छा था, बाकी पीछे वाला तो बिल्कुल टेस्टलेस था, कुछ भी नहीं समझ ही नहीं आ रहा था कि खा क्या रहे हैं आके, और दिमाग में भी कुछ चल रहा है, खा पी रही हूँ दिमाग में चल रहा है, तो इसी तरह से मैंने फ़िलहाल कल का दिन बिता दिया अपना, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा।